पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अनिल विज बिना आंख कान के गृह मंत्री हैं। उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र से सीआईडी बाहर है। जब सीआईडी की गृह मंत्री के अधीन नहीं है तो फिर कैसे मंत्रालय चलाया जा सकता है। साथ ही भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर कहा कि कांग्रेस में तो जनता प्रमुख होती है। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के संगठन भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जनता प्रमुख है। कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार हो चुका है, बस घोषणा होना शेष है। प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जल्दी जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गांव में जाकर ग्रामीणों से संवाद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 9 साल बाद गांव की याद आई है। अब चुनाव नजदीक आए हैं तो सरकार की नींद खुली है, लेकिन जनता अब सरकार के झांसे में आने वाली नहीं है। लोग कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार में प्रदेश में क्राइम, करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लेस्टर लाश नमी व अन्य बहाने बनाकर भाजपा जसपा सरकार किसानों को परेशान कर रही है। ये बहानेबाजी छोड़कर सरकार गेहूं की खरीद शुरू करे और बारिश के चलते खराब हुई फसल का जल्द मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि मौसम की मार के चलते किसान पहले ही परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार गेहूं की खरीद बंद करके सरसों की भी खरीद बंद करके उसे परेशान कर रही है, जबकि सरकार को नमी व रोस्टर रोश की लिमिट में रियायत देकर तुरंत एमएसपी पर गेहूं की खरीद करनी चाहिए। हुड्डा ने सरकार से कम 500 प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों बारिश के चलते खराब हुई फसल को 25 से लेकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की भी मांग की। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।